92.7 बिग एफएम पर एक नारी होने के खूबसूरत एहसास को सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम एंड फारा खान। कुछ पन्ने फारा, जब आपने डिसाइड किया कि अब आपको अपनी फैमिली शुरू करनी है, तब आप ऑलरेडी अपने काम में बहुत मसरूफ थी, तो इतना बड़ा डिसीजन आपने कैसे लिया? एक्चुअली मधु, जब मैंने काम शुरू किया, मैं बहुत साल बीत गए काम करने में, उसको एंजॉय करने में, एंड टू रीच अ सर्टेन पोजीशन इन माय वर्क। जब मैंने डिसाइड किया कि शादी कर लेनी चाहिए, आई वाज नॉट ऑफ मैरिजेबल एज बाय द वे, आई वाज ऑलमोस्ट 40। ऑफ कोर्स शिरीष मुझे मिल गया, उसने भी बहुत मेरी मदद की है डिसीजन लेने में, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लियर कि अगर तुम्हें शादी करनी नहीं है और फैमिली नहीं करना है तो टाइम पास मत करो। अच्छा, मैं दिस इज उल्टा केस। ही सेड मैं चला, बाय बाय। आई रियलाइज आई डिडंट वांट हिम टू लीव, क्योंकि यू नो जब आप 39-40 के हो जाते हैं, यू आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि शायद अभी मैं शादी कभी नहीं करूंगी। और स्पेशली जब इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई वाज इंडिपेंडेंट, सो आई डिडंट रियली नीड अ नीड टू गेट मैरिड फॉर एनी अदर रीजन बट दैट आई वांटेड टू गेट मैरिड एंड हैव अ फैमिली, एंड आई थिंक वो एक्चुअली सबसे बेस्ट डिसीजन होती है। आई वाज 39, वन मंथ शॉर्ट ऑफ बीइंग 40। आई स्टिल लाइक टू से आई वाज 39, बट डिसम्बर 9th को मेरी शादी हुई, आई वाज 39, जैन 9th को आई टर्न 40। सो इट वाज वेल प्लान्ड। अब जब मैं देखती हूँ, आई थिंक ये सबसे मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया, क्योंकि कभी कभी बहुत लोग सोचते हैं कि अभी टाइम हो गया है, अभी वक्त, ऐसा कुछ नहीं होता है। व्हेन यू फाइंड द राइट पर्सन, यू शुड डू इट, एज हैज नथिंग टू डू विद इट। फारा खान से कुछ और यादगार बातें कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी के।